गाइज अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी जिसमें हम लोगों ने नए नए कॉन्सेप्ट्स को देखा। आज के इस वीडियो में हम सिंबल्स की बात करेंगे, लेकिन सिंबल्स की बात करने से पहले चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। और मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप में हैं तो अच्छा रहेगा आप ऊपर अपनी प्लेलिस्ट रखें, और फ़ोन वगैरह में अगर यूज़ कर रहे हैं आप तो सेव कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा tut59.py 58 वीडियोज़ ऑलरेडी हो गए, तो यहाँ पर tut59.js.py क्योंकि जो py है वो तो पाइथन का होता है ना। तो ये फाइल मैं बंद करता हूँ यहाँ पर, और मैं उसी के साथ साथ index.html में आकर मैं इंक्लूड कर लूँगा अपनी tut59.js को, और सारा का सारा जो कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसी टेंशन मत लेना कि कोड नहीं मिलेगा, कोड बिल्कुल भी लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। अगर कॉन्सेप्ट सुनना चाहते हो तो आप पहले कॉन्सेप्ट सुन लेना, लेकिन साथ साथ अगर कोड लिखते हो तो वो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। विद दैट सेट राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगा, और जैसे मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो ये लाइव सर्वर में खुल जाएगा, और राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर कंसोल में जाऊँगा तो मेरा जावास्क्रिप्ट का कंसोल खुल जाएगा। अब यहाँ पर tut59 में मैं यहाँ पर हमेशा की तरह लिखूँगा console.log, और फिर लिखूँगा दिस इज ट्यूटोरियल और उसके बाद 59, और ये मैं लिख के कंट्रोल एस करूँगा और इसको सेव करूँगा। कंट्रोल एस टू सेव, मैंने गलती से इसको बंद कर दिया शायद, कंट्रोल एस टू सेव। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा मैं यहाँ पर रीलोड एक्सपेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मेरी ये फाइल इस js, मेरी ये js फाइल इस html फाइल से लिंक हो चुकी है, ठीक है। अब ये सिंबल्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सिंबल्स लिख लेता हूँ। सबसे पहले ये प्रिमिटिव होते हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में, और ये 6 में ये नया एक प्रिमिटिव आया है जिसका नाम है सिंबल, ठीक है। अब ये सिंबल क्यों किया ऐसा, सबसे पहले ये सोचते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ नई आती है तो उसका एक मोटिवेशन तो रहा होगा ना आने का, तो सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर कॉन्स्ट सिम लिखूँगा, और मान लो मैंने लिखा sim1=, और मैं सिंबल लिखूँ तो क्या होगा, और इसको मैं console.log कर दूँ और मैं कुछ ऐसे लिख दूँ सिंबल इज और उसके बाद sim1, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, तो आप देखो यहाँ पर एक सिंबल आ गया कि सिंबल इज सिंबल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर एक आइडेंटिफायर लगा दूँ माय आइडेंटिफायर, कंट्रोल एस सेव, और तब भी यहाँ पर देखो सिंबल इज सिंबल, माय आइडेंटिफायर लिखकर आ चुका है। ये हुआ क्या यहाँ पर, और हमने न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं करा। अगर मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर देता हूँ, जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, एरर आएगा। क्यों, कह रहा है सिंबल इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ये कहेगा कि सिंबल एक प्रिमिटिव टाइप होता है। इसका मतलब कि अगर मैं टाइप ऑफ सिंबल को प्रिंट करूँ यहाँ पर, अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ console.log, और मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ टाइप ऑफ सिंबल इज, और मैं यहाँ पर टाइप ऑफ sim1 करूँ, तो यहाँ पर देखो टाइप ऑफ सिंबल इज सिंबल, यानी कि एक प्रिमिटिव है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर रेफरेंस टाइप नहीं है, ये प्रिमिटिव टाइप है, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह, बिल्कुल ही हमारे बूलियन की तरह, बिल्कुल ही अनडिफाइंड की तरह, बिल्कुल ही नैन की तरह। तो यहाँ पर ये एक प्रिमिटिव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी आप सिंबल लिखते हो और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग डालते हो या आइडेंटिफायर आप डाल सकते हो उसके अंदर, लेकिन जब भी आप एक सिंबल लिख के कुछ इस तरह से नया सिंबल बनाते हो तो वो यूनिक हो जाता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर sim2 कर दिया यहाँ पर, तो ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है। अगर मैं चेक करूँ कि क्या sim1 sim2 के बराबर है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कॉमेंट आउट कर देता हूँ लाइन को, और मैंने देखो एग्जैक्टली सेम आइडेंटिफायर इसके अंदर डाला हुआ है, उसके बावजूद भी देखना यहाँ पर अगर मैं लिखूँ console.log और उसके बाद मान लो मैं sim1=sim2 करूँ, तो यहाँ पर फॉल्स आने वाला है, ठीक है। देखो फॉल्स आ गया, हमने यहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज़ यूज़ करी, माई आइडेंटिफायर सिंबल सिंबल, फिर भी फॉल्स आया। और यही सिंबल्स की खासियत है, अगर आप एक स्ट्रिंग बना लेते हो तब वो आपको बराबर दिखा देगा। उसी के साथ साथ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्स्ट a=this लिख दूँ, और उसी के साथ साथ मैं कॉन्स्ट b=this लिख दूँ, और उसके बाद मैं console.log करूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ a=b और कंट्रोल एस टू सेव करूँ, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, आपको ऑब्वियसली मालूम है कि ट्रू आने वाला है, क्योंकि ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। और यही काम अगर आप किसी नंबर से ट्राई करोगे या फिर मान लो आप किसी और प्रिमिटिव का इस्तेमाल करोगे, तब आपको मिलेगा कि आप यहाँ पर हमेशा ट्रू पाते हो। तो यही चीज़ अगर आप कुछ ऐसे चेक करो, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, सारे प्रिमिटिव्स लिखूँगा मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दी है, मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ
नल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रिपल इक्वल्स टू नल, तो ये मेरा ट्रू रिटर्न करने वाला है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर अनडिफाइंड को कर दूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं ये करके क्यों दिखा रहा हूँ आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता मत करना कि समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास ES5 में पांच तरह के प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, छठा ऑब्जेक्ट होता है, और अभी सातवां यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप जो है सिंबल आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस टाइप होता है, मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखा था अपने रेफरेंस वाले वीडियो में, तो प्रिमिटिव और रेफरेंस जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों के पास ये प्लेलिस्ट है तो आपको मालूम होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर लो प्रिमिटिव टाइप्स की मदद से, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, प्रिमिटिव टाइप्स की बात हो रही है, कुछ भी कर लो, एक नई यूनिक चीज़ आप नहीं बना सकते। तो ऐसे में क्या इसका सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यहाँ पर सिंपल है। आप अगर एक सिंबल इस्तेमाल करते हो, तो हर बार आप सिंबल बनाते हो तो वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ होती है, यानी कि आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट कीज डाल सकते हो। अब आप ये सोच सकते हो कि यार इसका यूज़ समझ में नहीं आया है हरी भाई, तो इसका यूज़ मैं सिंपल सा आपको ये बताता हूँ। कभी भी आपसे कोई पूछता है कि सिंबल्स क्यों बनाए गए, तो आप उससे ये बोलना कि देखो भाई, अगर सिंबल्स नहीं हैं जावास्क्रिप्ट में, यानी कि ES6 में अगर सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते, तब उससे पहले क्या करना पड़ता था, यूनिक कीज़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था प्रिमिटिव टाइप्स की मदद से, इसीलिए सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिम्बल्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि एक की बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पर मान लो की बनाता हूँ, इसको K1 कर देता हूँ, और मैं इज इक्वल टू इसको सिंबल बनाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप आइडेंटिफायर दें, और मैं यहाँ पर कॉन्स्ट K2 बनाऊंगा सिंबल, और ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, एकदम इंडिपेंडेंट हैं, सिम 1 सिम 2 दोनों अलग अलग हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माई ओ बी जे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, और माई ओ बी जे नामक ऑब्जेक्ट को ब्लैंक कर देता हूँ अभी के लिए। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस माई ओ बी जे में K1 मैं कहूँगा K1 हो जाए हैरी, ठीक है। और उसके बाद मेरा माई ओ बी जे का जो K2 है वो हो जाए क्या, वो मेरा हो जाए रोहन, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अगर आप अपना प्रिंट करूँ, यानी कि कंसोल डॉट लॉग करूँ क्या माई ओ बी जे, कंट्रोल एस टू सेव, तो यहाँ पर देखो एक सिंबल है कि मेरी हैरी, दूसरा सिंबल है कि मेरी रोहन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ माई ओ बी जे K1, सिर्फ इतना करूँ तो मेरा हैरी आएगा, ठीक है, और अगर मैं K2 कर दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर मेरा रोहन आ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा रोहन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने सिंबल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सिंबल अपने आप में यूनिक होते हैं, यानी कि K1 और K2 बराबर नहीं है, K1 अपने आप में एक चीज़ है, K2 अपने आप में एक चीज़ है। अब यहाँ पर इनको डीबग जब आप कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशंस को, तब आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ आप आइडेंटिफायर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आइडेंटिफायर फॉर K1 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर फॉर K2 ऐसे लिख देता हूँ, तो शॉर्ट में, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, कुछ भी लिख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर अपने माई ओ बी जे को प्रिंट करूँ कुछ इस तरह से, तब यहाँ पर देखो आइडेंटिफायर्स भी आ गए। तो मैं जब अपनी डीबगिंग करूँगा, जब मैं अपने कंसोल में देखूँगा कोड को, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब ये सिंबल एक बिगिनर के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल तो देखो हो सकता है, लेकिन मैं बस ये बोलूँगा सिंबल को यूज़ करते हैं कोई भी एक ऐसा प्रिमिटिव जनरेट करने के लिए जो कि यूनिक हो। अब जब जाएंगे आप लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ, जब आप कुछ एडवांस कोड बेस पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी यूनिक चीज़ें बनाने की, और वहाँ पर सिंबल जो है आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंबल्स इस तरह हम लोग प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, मैं यहाँ पर Ctrl DD करके। और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले मैं यहाँ पर K1 K2 को प्रिंट कर देता हूँ, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, कैसा नहीं कर सकते बताता हूँ, कैसा नहीं कर सकते, इसको ज़रा स्पेसिंग को ख़त्म कर दूँ, डॉट K2 नहीं कर सकते आप ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर आपने डॉट K2 कर दिया ना, तो वो सर्च करेगा K2 नामक स्ट्रिंग को इसमें, तो आप सिर्फ ब्रैकेट वाला सिंटेक्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ लेना इसका मतलब ये होता है, ये लिख दो या ये लिख दो, ठीक है, तो ये इस तरह से गलत हो जाएगी बात, ठीक है। तो हमें K2 वेरिएबल डालना है इसके अंदर, तो डॉट K2 नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैन नॉट डू दिस, मतलब आप कर सकते हो ऑब्वियसली, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अनडिफाइंड, लेकिन आप नहीं कर सकते कैन नॉट डू दिस टू गेट रोहन, रोहन को प्राप्त करने के लिए आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ सेम एज माई ओ बी जे। पूरा सही से लिखता हूँ ताकि आप लोग जब बैठे हैं इसको रिवाइज़ करने, तब भी आपके पास एकदम सामने रहेगा, आराम से समझ में आएंगी चीज़ें, ओके।
तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि डॉट वाला सिंटेक्स इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अलर्ट लिख देता हूँ, कहीं कोई प्रिंट कर ले, ठीक है। और यहाँ पर दो ऐसे भी लगा देता हूँ, इसके बाद भी नहीं दिखा तो कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक नॉर्मल की इसमें ऐड कर देता हूँ माई ओ बी जे में। तो मैं यहाँ पर माई ओ बी जे में यहाँ पर करता हूँ, जहाँ पर मैं माई ओ बी जे को बना रहा हूँ, मैं कहूँगा माई ओ बी जे का नेम हो जाए गुड बॉय, ठीक है। एक मैंने नॉर्मल वाली कीज़ में ऐड कर दी, देखो यहाँ पर नेम गुड बॉय, बाकी सिंबल है कीज़ हमारी। अब अगर यहाँ पर मैं फॉरिन लूप का इस्तेमाल करूँगा, मैं लिखूँ फॉर की इन माई ओ बी जे और इसके अंदर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ की, और यहाँ पर लिख देता हूँ माई ओ बी जे की। तो यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिखाता हूँ, एक वियर्ड सा बिहेवियर दिखाता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ नेम और गुड बॉय आया, मेरे सिम्बल्स नहीं आए। तो फॉर इन लूप के अंदर सिम्बल्स को इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ सिम्बल्स आर इग्नोर्ड इन फॉर इन लूप, ठीक है। सिम्बल्स को फॉर इन लूप्स में इग्नोर किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सिम्बल्स को फॉर इन लूप में इग्नोर किया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंगीफाई करने की, तो यहाँ पर अगर आप एक जेसन को कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉरी एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं जेसन में, तो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कंसोल, ओप्स ये मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या करता है, आपके एक ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करता है, जेसन में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आप ये करें कंट्रोल एस टू सेव, तो आप देखो यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो मेरे इग्नोर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर सिंबल्स इग्नोर हो गए हैं, उसने सिर्फ मुझे जो मेरे नॉर्मल वाले ऑब्जेक्ट्स के जो स्ट्रिंग कीज़ थी, और अगर मैं कुछ इसमें इंटीजर कीज़ भी डालता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर मैं कुछ ऐसे डालता हूँ गुड बॉय गुड इंट, और मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ फोर, और मैं इसको अगर कंट्रोल से सेव करूँ तो देखो फोर भी आ गया, पर फोर गुड एंड नेम गुड बॉय। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और सिंबल का यूज़ क्यों किया जाता है, इसका सिंपल जवाब यह है कि सिंबल का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जब भी सिंबल लिखते हैं कुछ इस तरह से, तब ये एक नया प्रिमिटिव जनरेट करता है। दैट्स इट, इतना सा जवाब है सिंपल से सवाल का। आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आपको, और आप लोग जो है इसको अपनी डेली जावास्क्रिप्ट रूटीन में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वैसे आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, तो मैं आप लोगों को अभी भी बताता हूँ कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप बीच से पढ़ा रहे हो, इतने सारे वीडियोस मैंने शुरू से लेके बना के रखे हुए हैं अंत तक। मैं चाहता हूँ आप लोग उनको एक्सेस करें, उनका फ़ायदा उठाएं, बुकमार्क करें प्लेलिस्ट को, आराम से एक एक करके वीडियो को टाइम लेकर देखें, प्रैक्टिस करें। इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, क्विजेज हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में बिल्कुल देसी भाषा में ब्रेक डाउन करके बताया हुआ है। मैं चाहूँगा टाइम लेके आप आराम से बैठ के इसको देखें और इस प्लेलिस्ट को सेव कर ले अगर आप मोबाइल वगैरह से देख रहे हैं तो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।